अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अध्याय के इस चौथे भाग में हम बताएंगे रिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन देखना, ओपनिंग बीआरएस का उपयोग करना और अन्य छोटे छोटे ऑप्शंस का उपयोग करना। इसके पहले के तीन भागों में हम आपको बीआरएस बनाना सिखा चुके हैं, जो कि हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। अब हम यहां पर राइट साइड में दिखाई दे रहे ऑप्शंस के उपयोग को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं पीरियड चेंज करने का ऑप्शन है F2। दूसरा है कंपनी। यदि आप टैली में ओपन की हुई किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्ट बैंक रिकंसिलिएशन ओपन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की सहायता से ये काम कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F3। यहां से आप दूसरी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है बैंक। यदि आपकी कंपनी में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं तो आप इस ऑप्शन से दूसरे बैंक के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F4। यहां से आप दूसरी बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन को समझ लेते हैं। अभी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर हैं। देखिए, यहां पर अभी केवल वो ही ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हमने रिकंसाइल नहीं किया है, यानी जो ट्रांजैक्शंस रिकंसाइल हो चुके हैं वो यहां से चले गए हैं, यानी यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यदि हम उन्हें भी देखना चाहते हैं तो हमें बेसिस ऑफ वैल्यूज के लिए कंट्रोल के साथ बी प्रेस करना होगा। ये देखिए, ऐसा करते ही हमें लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस दिखाई दे रही है। इसमें हमें तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें से पहले और तीसरे ऑप्शन टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज और इंक्लूड ऑल अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस टिल डेट के बारे में आगे समझेंगे। अभी हम इंक्लूड रिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस ऑप्शन पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, इस पर एंटर प्रेस करते ही ये यस हो गया है। अब हम इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमें स्क्रीन पर वो सभी ट्रांजैक्शंस भी दिखाई पड़ रहे हैं जिन्हें हम रिकंसाइल कर चुके हैं। इन्हें वापस हटाने के लिए कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे और अब इस ऑप्शन को नो कर देंगे। ये देखिए, रिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस यहां से चले गए हैं। अगला ऑप्शन है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ जे की। जब हमने अपनी बुक्स में कोई ऑप्शनल वाउचर यूज किए होते हैं तो वो यहां दिखाई पड़ते हैं। हमने कोई ऑप्शनल वाउचर यूज नहीं किया है। इसी तरह जब हम कोई पोस्ट डेटेड वाउचर की एंट्री करते हैं तो वो यहां दिखाई पड़ती है। हमने इस तरह की कोई एंट्री नहीं की है, इसलिए यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ओपनिंग बीआरएस। ओपनिंग बीआरएस का मतलब है बीआरएस का प्रारंभिक शेष। जब कोई फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है और हम अगले फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाते हैं तब पिछले ईयर के जो ट्रांजैक्शंस रिकंसाइल नहीं हो पाते हैं, यानी कि अनरिकंसाइल्ड रह जाते हैं, वो अगले साल के लिए ओपनिंग बीआरएस होते हैं। आपने जब से बैंक में खाता खोला है, यदि तभी से आप टैली में बैंक रिकंसिलिएशन करते आ रहे हैं तो आप एक कंपनी में कितने भी वर्ष कार्य करें उसमें ओपनिंग बीआरएस की कोई समस्या नहीं आती। इसी तरह मान लीजिए टैली में आपकी कंपनी में कई सालों का डेटा है और आप शुरू से ही बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं तो आप कंपनी डेटा को स्प्लिट करते हैं, यानी किसी कंपनी के हर वर्ष का हिसाब अलग अलग करते हैं। जैसे कि हमारी एक कंपनी में हमारा 2021-22 और 2022-23 का इकट्ठा डेटा है और अब हम दोनों वर्ष की कंपनी का डेटा अलग अलग करते हैं तो ये प्रोसेस स्प्लिट कंपनी कहलाती है।
ऐसे में भी हमें ओपनिंग BRS की कोई समस्या नहीं आती। पर जब आप पहले मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं और बाद में टैली में अकाउंटिंग शुरू करते हैं, तो अपने मैनुअल अकाउंटिंग का जो BRS रहता है उसके सभी अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स ओपनिंग BRS के रूप में टैली में डालना होती है। मान लीजिए हमारी एक कंपनी है खुशी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम वर्ष 2021-22 तक मैनुअल अकाउंटिंग करते थे और वर्ष 2022-23 से टैली में अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। तो हमने 31 मार्च 2022 को जो मैनुअल बैलेंस शीट और उसका जो मैनुअल BRS बनाया होगा वो भी इस कंपनी में लाना होगा, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। यहां पर आपको मैनुअल BRS समझने में आसानी हो इसलिए पिछली वीडियो में हमने जो BRS बनाया था उसी फॉर्मेट में हम आपको पिछले साल का मैनुअल BRS बता रहे हैं। ये देखिए, इसमें ये क्लियर हो रहा है कि 28 मार्च 2022 को हमने सप्लायर ए को 5000 रुपए का एक चेक दिया था और 31 मार्च 2022 को हमें अपने कस्टमर ई से 10000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ था। हमारी बुक्स में बैंक अकाउंट में 80000 रुपए थे और बैलेंस एज पर बैंक यानी बैंक स्टेटमेंट में 75000 रुपए थे। हमने आपको वीडियो नंबर 42 में बताया था कि मैनुअल अकाउंटिंग से कंप्यूटर अकाउंटिंग पर कैसे जाते हैं। उसी तरह यहां हमने अपनी कंपनी बनाकर सभी ओपनिंग बैलेंस इसमें डाल दिए हैं। तो आइए अब इसमें 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। ये देखिए, पिछले वर्ष की बैलेंस शीट के सभी बैलेंस इस ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से पिछले साल का हमारी बुक्स में जो बैंक का बैलेंस 80000 रुपए था वो भी इस वर्ष में यहां पर दिखाई पड़ रहा है। आइए अब हम अपने मैनुअल BRS के आधार पर अपनी कंपनी में ओपनिंग BRS डाल देते हैं। इसके लिए पहले हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर जाना होगा। ओपनिंग BRS डालने के लिए या तो यहां पर क्लिक करें या फिर इसकी शॉर्टकट की अल्टर के साथ H प्रेस कर दें। ये देखिए, ओपनिंग बैंक एलोकेशंस की स्क्रीन आ रही है। इसमें यहां पर अनरिकंसाइल्ड डिटेल्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ रिकंसिलिएशन 1 अप्रैल 2022 है, यानी हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें अब हम काम कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है। तो जाहिर है जो अनरिकंसाइल्ड डिटेल्स होंगी वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की होंगी और जैसा कि आप देख रहे हैं अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन्स क्रमशः 28 और 31 मार्च 2022 के हैं। हमने 28 मार्च 2022 को सप्लायर ए को 5000 रुपए का एक चेक दिया था जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो यहां डेट में आएगा 28 मार्च 2022, पर्टिकुलर्स में टाइप करेंगे सप्लायर ए, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम डिपॉजिट और विड्रॉल में से विड्रॉल चुनेंगे। क्योंकि हमने सप्लायर ए को चेक दिया है तो जाहिर है वो जब चेक लगाएगा तो हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा विड्रॉ होगा, इसलिए यहां पर आएगा विड्रॉल। ट्रांजेक्शन टाइप में चेक आएगा क्योंकि हमने चेक दिया था। अब आगे बढ़ेंगे, रिमार्क में हम यहां लिख देंगे चेक इश्यूड टू सप्लायर ए। अब यहां पर हम जो अमाउंट 5000 रुपए था उसे क्रेडिट कर देंगे,
यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर में हम चेक नंबर टाइप कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट डेट में देखिए, हमने डेट में 28 मार्च टाइप किया था, इसलिए वो तारीख यहाँ भी आ रही है। इसी तरह से हमें कस्टमर ई से 31 मार्च को 10,000 रुपए का एक चेक प्राप्त हुआ था, जो हमने उसी दिन बैंक में क्लियरिंग हेतु दे दिया था, पर वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए इसे भी हम यहाँ पर ओपनिंग बीआरएस में ले रहे हैं। यहाँ डेट में आएगा 31 मार्च 2022, पर्टिकुलर्स में आ जाएगा कस्टमर ई, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा डिपॉजिट, क्योंकि हमने जो चेक रिसीव किया है उसे हम हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। ट्रांजेक्शन टाइप हो जाएगा चेक। आगे बढ़ेंगे, रिमार्क्स में हम लिख देंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ई। अब यहां पर 10,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे, यहां पर चेक नंबर डाल देंगे और यहां वो डेट डालेंगे जिस तारीख का वो चेक था। जैसे कि पार्टी के चेक पर तारीख 30 मार्च है, ध्यान रखें हमने क्लियरिंग हेतु चेक बैंक में 31 मार्च को लगाया था, इसलिए डेट में हमने 31 मार्च टाइप किया है, और यहां चेक की डेट हम 30 मार्च 2022 टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से यदि हमारे पिछले साल के कुछ और अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन्स होते तो उनकी डिटेल भी हम यहां पर डाल देते। हमारे पास और कोई अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन्स नहीं है, इसलिए हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी बुक्स में बैंक का जो बैलेंस 80,000 रुपए है वो यहां दिखाई पड़ रहा है। साथ ही हमने सप्लायर ए को जो 5,000 रुपए का चेक दिया था उसका अमाउंट क्रेडिट में दिखाई पड़ रहा है, और कस्टमर ई से हमने जो 10,000 रुपए का चेक प्राप्त किया था उसका अमाउंट डेबिट में दिखाई पड़ रहा है। इस तरह ये दोनों ओपनिंग बीआरएस के रूप में यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और चूंकि ये पिछले साल के अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन्स हैं, इसलिए ये 1 अप्रैल 2022 से पहले की तारीख में यहां पर आ रहे हैं। तो ये तो था ओपनिंग बीआरएस ऑप्शन का उपयोग। आइए अब आपको बता देते हैं कि यदि आप किसी कारण से ये ओपनिंग बीआरएस डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर से ओपनिंग बीआरएस पर जाना होगा। अब यहां पर राइट साइड में डिलीट ऑल ऑप्शन है, इसकी सहायता से अभी हमने जो भी ओपनिंग बीआरएस डाला है उसे डिलीट कर सकते हैं। हम इसके लिए इसका शॉर्टकट ऑल्टर के साथ जे की प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही टैली हमसे पूछ रहा है क्या सभी ओपनिंग बीआरएस को डिलीट कर दें। यदि हम यस कर देंगे तो अभी हमने जो ओपनिंग बीआरएस डाला था वो यहां से डिलीट हो जाएगा, पर हम इसे डिलीट नहीं करना चाहते हैं इसलिए नो कर रहे हैं। अब हम अप्रैल माह में कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह से हमने कुछ और ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। आइए अब फिर से बैंक रिकंसिलिएशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये अप्रैल की बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन है जिस पर हमें ओपनिंग बीआरएस भी दिखाई पड़ रहा है और इस माह के ट्रांजेक्शन भी दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि वीडियो नंबर 101 जो कि बैंक रिकंसिलिएशन का दूसरा पार्ट है, उसमें हमने आपको बताया था कि रिकंसिलिएशन दो तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें से पहले तरीके में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन के डेबिट और क्रेडिट दोनों ओर के ट्रांजेक्शन को बैंक स्टेटमेंट से मैच करते हुए रिकंसिलिएशन का काम करना पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आइए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। उसके लिए हमें बेसिस ऑफ वैल्यूज पर जाना होगा, जिसके लिए हम कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस करेंगे। हमने ये पहला ऑप्शन टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज छोड़ दिया था, चलिए इसको समझ लेते हैं।
अभी तक हम जो बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन देखते आए हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ के ट्रांजैक्शंस दिखाई पड़ते हैं। वो स्क्रीन बाय डिफॉल्ट ऑल वाउचर सिलेक्ट होने से आती है। अब यदि हम यहाँ क्रेडिट एंट्रीज ओनली सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर हमें सिर्फ क्रेडिट एंट्रीज ही दिखाई दे रही है, यानी डेबिट एंट्रीज हाइड हो गई हैं। अब हम इन क्रेडिट एंट्रीज को बैंक स्टेटमेंट की डेबिट एंट्रीज से मैच कर सकते हैं और बाद में इसी तरह हम डेबिट एंट्रीज ओनली को सिलेक्ट करके बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट एंट्रीज से मैच कर सकते हैं। इस तरह से एंट्रीज मैच करना आसान हो जाता है और इसमें गलती की भी संभावना बहुत कम रहती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी साइट की एंट्रीज मैच करने के बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन को सेव जरूर कर लें, उसके बाद ही दूसरी साइट की एंट्रीज मैच करें। हम वापस ऑल वाउचर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसी के साथ का एक और ऑप्शन Include all unreconciled transactions till date, जो हमने पहले छोड़ दिया था उसे भी समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पीरियड में अभी ओपनिंग BRS और अप्रैल के सभी unreconciled transactions दिखाई पड़ रहे हैं, पर यदि हम सिर्फ किसी निश्चित पीरियड के ही unreconciled transactions देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम 20 अप्रैल से 30 अप्रैल का पीरियड ले रहे हैं, ये देखिए अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। सिलेक्ट किए गए पीरियड और उसके पहले के पीरियड के सभी अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं, पर यदि हम बेसिस ऑफ वैल्यूज पर जाकर यहां दिखाई दे रहे इंक्लूड ऑल अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस टिल डेट ऑप्शन को नो कर देते हैं तो देखिए ऐसा करते ही यहाँ सिर्फ उसी पीरियड के अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं जो पीरियड हमने सिलेक्ट किया था। अब हम इसे वापस यस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है क्रिएट वाउचर। इसका उपयोग हम आपको सिखा चुके हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है सेट बैंक डेट। इसे समझने के पहले हम आपको बता दें कि अभी यहाँ पर बैंक डेट पूरी तरह से ब्लैंक है। अब हम सेट बैंक डेट के लिए इसका शॉर्टकट अल्टर के साथ एस की को प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही सेट बैंक डेट की स्क्रीन आ गई है। इसमें आप देख सकते हैं तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट डेट, न्यू डेट और वाउचर डेट। इंस्ट्रूमेंट डेट, यदि हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो सभी ट्रांजैक्शंस में बैंक डेट में उन ट्रांजैक्शंस में जो भी इंस्ट्रूमेंट डेट है वो अपने आप आ जाएगी। ये देखिए यहां जो इंस्ट्रूमेंट डेट थी वो ही बैंक डेट में आ गई है। दूसरा है न्यू डेट। मान लीजिए यहां स्क्रीन पर जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें बैंक डेट में यदि सेम डेट डालनी है, यानी सारे ट्रांजैक्शंस में एक ही बैंक डेट डालनी है, तो हम इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। हम इस पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही टैली हमसे डेट पूछ रहा है। इसमें हम वो डेट टाइप कर देंगे जो हम सभी ट्रांजैक्शंस में डालना चाहते हैं, जैसे यहां पर हम टाइप कर रहे हैं 30 अप्रैल। ये देखिए सभी ट्रांजैक्शंस में 30 अप्रैल बैंक डेट आ गई है। हम इन्हें सेव नहीं करना चाहते इसलिए यहां से बाहर निकल के फिर से आते हैं। तीसरा है वाउचर डेट। यदि हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ओपनिंग BRS को छोड़कर सारे ट्रांजैक्शन में जो वाउचर डेट है वही बैंक डेट में भी आ गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ओपनिंग BRS के वाउचर इस साल के नहीं है। हम इसको भी सेव नहीं करना चाहते हैं इसलिए फिर यहां से बाहर जाएंगे और वापस आएंगे। हमारे हिसाब से
इन तीनों ऑप्शन से बेहतर है कि आप बैंक डेट में बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से मैन्युअली डेट टाइप करें। हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में आप इन तीनों ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, एक और ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन का। इसकी शॉर्टकट की है F12। F12 की प्रेस करने पर ये कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो आ जाएगी। इसमें आप जिस भी ऑप्शन का उपयोग करना चाहें उसे यस कर सकते हैं। यहां हम आपको एक बात बता दें कि मान लीजिए आप बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर हैं और किसी वाउचर को अल्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस ट्रांजैक्शन पर जाकर कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करें। ये देखिए, वाउचर ऑल्टरेशन स्क्रीन ओपन हो गई है। आप यहां से करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जो चारों वीडियोस थे उसके माध्यम से हमने आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी। और ध्यान रखें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक कठिन टॉपिक है। यदि आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारे द्वारा बनाए गए चारों वीडियोस को अवश्य देखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।